कमर्शियल या अदर देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र पर गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करें HPSEBL, फर्स्ट रिजल्ट HPSEB.in पर क्लिक करें। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के इस पोर्टल पर आप अदर देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और HPSEBL द्वारा दिए जाने वाली अदर सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें। न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन्हें आप यहां चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अदर देन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए A&A फॉर्म डाउनलोड और प्रिंट करें। A&A फॉर्म में टेस्ट रिपोर्ट भी इंक्लूड है। आपको A&A फॉर्म को फिल करना है और टेस्ट रिपोर्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर भरेगा। आई हैव रीड का चेकबॉक्स मार्क करें। अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें। अंडर जनरल डाटा पर्पस ऑफ कनेक्शन सेलेक्ट करें। रेट या टैरिफ कैटेगरी ड्रॉपडाउन लिस्ट से सेलेक्ट करें। आप जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग रेट या टैरिफ कैटेगरी सेलेक्ट करें। जनरल कमर्शियल कनेक्शन के लिए कमर्शियल कनेक्शन वन पार्ट सेलेक्ट करें। अगर आप इरिगेशन या इंडस्ट्री के लिए कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेट या टैरिफ कैटेगरी सेलेक्ट करें। कंज्यूमर टाइप सेलेक्ट करें। जनरल कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए इंडिविजुअल अप टू 100 लोड या डिमांड सेलेक्ट करें। अगर आप फर्म या कॉरपोरेट के लिए जिसकी लोड या डिमांड 100 से ऊपर है अप्लाई कर रहे हैं तो कॉरपोरेट सेलेक्ट करें। एप्लीकेंट के लिए टाइटल सेलेक्ट करें। एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप करें। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी प्रोप्राइटर फर्म या पार्टनर का नाम टाइप करें। यहाँ पर एप्लीकेंट का फुल नेम टाइप करें। अगर फर्म के नाम पर कनेक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो फर्म का नाम टाइप करें। एप्लीकेंट के फादर या गार्डियन का फुल नेम टाइप करें। एप्लीकेंट का आधार नंबर टाइप करें। अगर आप BPL कंज्यूमर हैं तो यस सेलेक्ट करें, अदरवाइज नो। एप्लीकेंट का परमानेंट अकाउंट नंबर टाइप करें। एप्लीकेंट की एज टाइप करें। एप्लीकेंट का 10 डिजिट मोबाइल नंबर टाइप करें। अगर कोई लैंडलाइन नंबर है तो STD कोड के साथ टाइप करें। ईमेल एड्रेस यहां टाइप करें। आप मेल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन फिल किया गया एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करेंगे। एड्रेस इंफॉर्मेशन में लोकेलिटी सेलेक्ट करें। अगर कोई हाउस नंबर फ्लोर नंबर या फ्लैट नंबर है तो यहाँ टाइप करें। बिल्डिंग का नेम और नंबर यहाँ टाइप करें। सेक्टर कॉलोनी या स्ट्रीट नेम और नंबर यहाँ टाइप करें। सिटी टाउन विलेज लैंडमार्क टाइप करें। अगर आप म्यूनिसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन नगर परिषद या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया में स्टे करते हैं तो यस सेलेक्ट करें, अदरवाइज नो। अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और पिन कोड एंटर करें। अपना सब डिवीजन सेलेक्ट करें। यहाँ आप अपने प्रीमिसेस की डिटेल्स दे सकते हैं। विटनेस कंज्यूमर ID टाइप करें। आप अपने किसी पड़ोसी से इलेक्ट्रिसिटी का लेटेस्ट बिल लें और उस पर कंज्यूमर ID सर्च करें। उस कंज्यूमर ID को आप विटनेस के कंज्यूमर ID में टाइप करेंगे। डाटाबेस ऑटोमेटिकली उस कंज्यूमर ID की डिटेल्स को डिटेक्ट करेगा जिसे आप एज अ विटनेस दे रहे हैं। स्टेप 2 पर क्लिक करें। अंडर कनेक्शन एंड लोड डिटेल्स टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोड आइटम्स ऐड करें। ऐड लोड आइटम पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन लिस्ट से लोड आइटम सेलेक्ट करें। आइटम की क्वांटिटी टाइप करें और सेव पर क्लिक करें। जो आइटम्स आपकी टेस्ट रिपोर्ट में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ने फिल की हैं उन सबको ऐड लोड आइटम पर क्लिक करके ऐड करें।
टोटल अप्लाइड लोड चेक करें जो टेस्ट रिपोर्ट में मेंशन्ड है। टैरिफ टाइप टैरिफ कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्री फील्ड है जो आपने पर्पस ऑफ कनेक्शन में सिलेक्ट की थी। कॉन्ट्रैक्ट डिमांड टाइप करें, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड टोटल अप्लाइड लोड के अकॉर्डिंग फिल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल अप्लाइड लोड 7.7 किलोवाट है तो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 8 किलोवाट फिल करें। टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट डिमांड टाइप करें। टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रेफर्ड सप्लाई वोल्टेज सिलेक्ट करें। इलेक्ट्रिकल या वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर का नेम टाइप करें। वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस की क्लास और नंबर टाइप करें। लाइसेंस की वैलिडिटी सिलेक्ट करें। जिस दिन आप कनेक्शन लेना चाहते हैं उस डेट को सिलेक्ट करें। जैसे कि कनेक्शन कमर्शियल है और आप कितनी शिफ्ट्स में अपनी कमर्शियल जगह पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, इसलिए नंबर ऑफ शिफ्ट्स फिल करें। स्टेप 3 पर क्लिक करें। अंडर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स एज अ PDF अपलोड करेंगे, मेक श्योर उनका साइज 1 MB से नीचे हो। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो सेल डीड या लीज डीड डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 5 MB तक अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेंट या कंज्यूमर के सिग्नेचर JPEG या PNG फॉर्मेट में अपलोड करें जो 20 KB से नीचे हो और जिसकी विड्थ 160 pixels और हाइट 60 pixels हो। टेस्ट रिपोर्ट की PDF अपलोड करें। 1-part कनेक्शन के लिए ₹10 का क्रॉस्ड नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ANA फॉर्म के साथ मर्ज करके अपलोड करें। 2-part कनेक्शन के लिए आप ₹100 का क्रॉस्ड नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ANA फॉर्म के साथ अपलोड करेंगे। पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड में से कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करें। जिस प्रीमिसेस में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इंस्टॉल कर रहे हैं उस जगह का लैंड रिकॉर्ड या नकल जमाबंदी अपलोड करें। अगर रेंटल प्रॉपर्टी में कनेक्शन इंस्टॉल कर रहे हैं तो सेल डीड या लीज डीड भी अपलोड कर सकते हैं। म्यूनसिपैलिटी या पंचायत प्रधान से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए ली गई NOC को आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है। चार्जेस टू बी डिपॉजिटेड में कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी और चार्जेस आप सिलेक्ट किए हुए सब डिवीजन में पे करें। अगर कनेक्शन फर्म या कॉरपोरेट के नाम पर लिया जा रहा है तो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन कंपनी के बिहाफ पर अपलोड करें। एप्लीकेंट या कंज्यूमर के सिग्नेचर JPEG या PNG में अपलोड करें जिसका मैक्सिमम साइज 20 KB हो और विड्थ 160 pixels और हाइट 60 pixels हो। दी गई डिटेल्स चेक करें, अगर कोई मिस्टेक है तो करेक्ट करें। फिनिश पर क्लिक करें। आपका कंज्यूमर ID और सर्विस ऑर्डर नंबर जनरेट होगा, इसे नोट कर लें। क्लिक हेयर पर क्लिक करके ANA फॉर्म को डाउनलोड कर लें, जिसे आप दिए गए मेल एड्रेस पर भी रिसीव करेंगे। टेस्ट रिपोर्ट ANA फॉर्म क्रॉस नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ जो आपने अपलोड किया है, आइडेंटिटी प्रूफ, रेवेन्यू पेपर्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में डालकर फाइल पर अपनी कंज्यूमर ID और सर्विस ऑर्डर नंबर को लिख लें। इस फाइल को सिलेक्ट किए हुए सब डिवीजन में दें। इस तरह से कमर्शियल या अदर देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।